नमस्कार, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं पावर ट्रैक, और पावर ट्रैक में आपको पता है ट्रैक्टर में बैक में ही बस ब्रेक होता है और इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ और लोड लेके चल जाता है। और ये ब्रेक आम ब्रेक नहीं होती, इसमें हैवी ब्रेक यूज़ किया जाता है क्योंकि हैवी लोड झेलने के लिए इसमें यूज होता है। आइए इसका ब्रेकिंग सिस्टम समझते हैं। ये इसका ब्रेक शू है, और ब्रेक शू आप कह सकते हैं ये डिस्क टाइप है, इसमें डिस्क टाइप है। ये दोनों तरफ से इसमें लेदर लगा हुआ है और रिवेटिंग हुई पड़ी है। देख सकते हैं ये पूरी आयरन की प्लेट है और इस पर लेदर चढ़ा हुआ है। तो इसका डिफरेंशियल अभी निकाल रहे हैं एक साइड का, जो कारीगर है और मिस्त्री हैं। अभी इसको बहुत हैवी होता है, ये हर मॉडल में अलग अलग और अलग अलग वेट के होते हैं। और ये देख सकते हैं अंदर से डिफरेंशियल निकल गया है, वो देख सकते हैं डिस्क है, डिस्क प्लेट है। ये डिस्क प्लेट अंदर बाहर दोनों तरफ लगे हैं और एक प्लेट अंदर भी है। एक तरफ दो डिस्क ब्रेक शू यूज होते हैं और आठ जो होते हैं डिस्क यूज होते हैं। तो सोच लीजिए एक साइड में आठ ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है, वो भी हैवी टाइप होता है। और ट्रैक्टर का वो भी जैसे ट्रैक्टर की HP रहेगी उस हिसाब से उसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी रहेगा, और हर मॉडल में अलग अलग भी हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक शू सारा निकल गया है अंदर, और जो ब्रेक शू है ये दोनों तरफ से है, घिसाई इसकी चल रही है। घिसाई के बाद ये फ्री पावर लग जाएगा क्योंकि ट्रैक्टर जल्दी खुलता नहीं है, और किसी भी पार्ट को सर्विस के टाइम भी ब्रेक शूज़ की घिसाई नहीं होती। जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक इसका निकलता नहीं, क्योंकि बहुत हैवी टायर वगैरह होते हैं, खोलने में बहुत वक्त लगता है। पर प्रॉपर क्या है कि इसकी सर्विस टाइम पर होने के बाद इसको घिसाई ज़रूर खुल जाए, क्योंकि इसका जो ब्रेक है घिसने के बाद डस्ट बहुत ज़्यादा जमा करता है इसके डस्ट बॉक्स में, और इससे ब्रेक भी जाम हो जाते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ब्रेक शू गिनाया है, तीन सॉरी ब्रेक प्लेट थे, उससे अब ब्रेक शू लग रहे हैं जो डिस्क टाइप है। इसको लगाने के बाद और ये जो है डिस्क प्लेट है, दोनों तरफ से इस पर ब्रेक अप्लाई होती है, एक बाहर से एक अंदर से। और ये बाहर अंदर वाला एक यहाँ पर व्हील में भी डिस्क ब्रेक है, देखिए वहाँ पर लगा है, और एक उधर भी लगा है। देखिए यहाँ पर एनिमेशन की मदद से देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक ऐसे ही अप्लाई होता है, और ये देखिए कैसे अटैच हो रहा है। और यहाँ पर लगाने के बाद व्हील कुछ ऐसा ही दिखेगा, ब्रेक शू। और जो है पूरी लोड इस पर ही ट्रैक्टर की रहती है, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। ये डिफरेंशियल दोनों तरफ का ब्रेक शू साथ में ही चेंज हो रहा है। वीडियो देखने के लिए हमारा धन्यवाद।